बिहार में डेंगूक मामला लगातार बढ़ रहा है। राज्य में बृहस्पति दिन का एक बरखक डेंगूक एक दिन में सब बेसी मामला दर्ज कैल गया। पिछला 24 घंटा में 74 लोग डेंगू पॉजिटिव भेटल। वीडियो में यह खबर सविस्तार कह बुदाई से पहले नमस्कार अपने लोग देख रहे मिथिला चैप्टर हाल समाचारक संग हम चिराश। जनतब दीजिए प्रदेश में एहि बरक अखन धरि डेंगूक मरीजक संख्या बढ़कर 390 भऽ गेल अछि। पटना आ भागलपुर में कुल मिलाकर 30 नव मामला दर्ज कयल गेल अछि। गया में 18 सहित अन्य जिला में 44 मामला दर्ज कयल गेल अछि। 13 नव मामलाक संगे पटना में डेंगूक आंकड़ा 112 धरि पहुँचल अछि। बुध दिन का पटना में डेंगूक 99 मामला दर्ज भेल। डेंगू के लऽ कर राज्यक स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारी संगे एकटा बैसार कयलनि। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकारी सबसे अस्पताल में प्लेटलेट्सक जांच और उपलब्धता सुनिश्चित करवाक लेल कहल गेल। एक संगे अधिकारी के सेहो इलाका में फ्रॉगिंग और दबाव छिड़काव करवाक लेल कहल गेल। स्वास्थ्य विभाग आंकड़ाक अनुसार बृहस्पति दिन का सबसे अधिक 18 नव मामला गया जिला से सोझा आयल छल। एक संगे जिला में डेंगू पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़कर 28 भऽ गेल। एहि बीच पटना नगर निगम बृहस्पति दिन का 3 प्रमुख अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लेल एकटा अलग टीमक गठन कयल गेल। एहि 3 अस्पताल में डेंगूक मरीजक सबसे बेसी संख्या दर्ज कयल गेल। टीम के भोरे और साँझ में फ्रॉगिंग और लार्विसाइडक छिड़काव करवाक लेल कहल गेल। पीएमसी फ्रॉगिंग गतिक संगे लार्विसाइडक छिड़कावक निगरानीक लेल मुख्यालय स्तर पर एकटा टीमक गठन योजना बनायल। वर्तमान में संबंधित कार्यकारी अधिकारी एहि कार्यक निगरानी कर रहल छथि। पीएमसी आम लोक सबसे आग्रह कयलक अछि जे ओ फ्रॉगिंग और लार्विसाइडक छिड़कावक विषय में 155-340 पर शिकायत करें। पीएमसी के अनुसार डेंगू मरीजक घर से 400 मीटरक दायरा में फ्रॉगिंग कयल जा रहल अछि। केहन लागल रिपोर्ट से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पठाबी और एना देखते मिथिला चैप्टर। कैमरा पर्सन सहयोग कर रहल छथि विशाल, हम चिराश। धन्यवाद, नमस्कार।